बहादुर ये देखे कौन आ है? क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आ रहा है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही कौन है? अस्सलाम वालेकुम बहादुर भाई, कैसे हैं आप? अरे गुड्डू, नौकरी मिले ना मिले, रहने का तो बहुत जबरदस्त बंदोबस्त हो गया, एक एक करके पूरी जायदाद हड़प जाऊंगा। जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी वो यही रहेगा। हाँ मैंने तो कहा था कि नौकरी मिलने के बाद भी यही रहे, पर मेरा भाई बहुत खुददार है, उन्होंने कहा जैसी नौकरी मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हर दूसरे दिन उसका कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, और अब देखो उसका भाई यहाँ रहने आ रहा है। अम्मी मेरे भाई इतने बड़े शहर में कहाँ जाएंगे? मेरी भला से कहीं भी टेंट लगा के रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हारी मेहनत की कमाई पे मैं मुफ्त करो को बनने दूंगी, कभी नहीं। सांप नहीं अम्मी, अजदहे है, अजदहे ये। नहीं अभी आऊंगा। क्या मतलब? अरे जाहिर सी बात है भाई, आ गया हूँ। पर आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? अरे जल्दी कहाँ, आधी एपिसोड तो निकल गई है। ओ हाँ, अच्छा आए आए। आई आई, एक सेकंड। अरे बैग। अच्छा ठीक है। बहादुर, 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 बहादुर ये देखे कौन आ है? क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आ रहा है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही कौन है? अस्सलाम वालेकुम बहादुर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं वैसे ही हैंडसम और खूबसूरत। हाँ भाई सही बात है, झूठ किसी की मीरास थोड़ी है, कोई भी बोल सकता है। क्या कहा? अरे मजाक कर रहा हूँ बहादुर भाई। वैसे गुड्डू एक बात कहूँ? जी जी कहिए। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन पहली फुर्सत में ना अपना नाम बदल लो। वो क्यों? क्योंकि ये गुड्डू इतना प्यारा मासूम भोला भाला सा नाम है, तुम पे बिल्कुल नहीं रचता। नॉटी बॉय। अरे कुछ तो ख्याल करें, अभी अभी आए मेरे भाई जान। हाँ हाँ ख्याल करता हूँ ना, देखो गुड्डू आ तो गए हो, लेकिन रात का खाना खाए बगैर मत जाना यहाँ से। अरे आप फिक्र मत करें बहादुर भाई, अब तो आने वाली कई रातों का खाना मैं इधर ही खाऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एसी के बगैर मुझे रहने की आदत नहीं है। अब जल्दी से बताएं कि सबसे अच्छा एसी किस कमरे में है। वो आगे वाला जो कमरा है ना उसमें है। वेरी गुड। बस तो फिर मैं जा रहा हूँ, एक काम करो छुटकी, रात के खाने में जबरदस्त सी बकरे की कढ़ाई बना लो। बिल्कुल ठीक है। अरे बकरे की क्यों, तुम्हारे लिए हम हिरन की कढ़ाई बनाएंगे। मजाक करने की आदत है उनकी। आए चले मैं आपको कमरा दिखाऊं, आ जाए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती आओ मेरी गोद में बैठ। आइए भाईजान आइए, अब जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती ना आप सुकून से यहाँ रह सकते हैं। हाँ कमरा तो छोटा है लेकिन मैनेज कर लूंगा। हाँ? मेरे कहने का मतलब है कि छोटी तुम इंसिस्ट कर रही हो तभी यहाँ रुक रहा हूँ, वरना हम तो बहन के घर का पानी भी नहीं पीते, सिर्फ खाना खाते। ये फिल्मी बातें तो होती रहेंगी, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लें फिर मैं आप मम्मी से मिला। बिल्कुल ठीक है, ठीक है? हाँ। अरे गुड्डू, नौकरी मिले ना मिले, रहने का तो बहुत जबरदस्त बंदोबस्त हो गया, एक एक करके पूरी जायदाद हड़प जाऊंगा, फ्रेश होना है। हाँ क्या, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी वो यही रहेगा? हाँ मैंने तो कहा था कि नौकरी मिलने के बाद भी यही रहे, पर मेरा भाई बहुत खुददार है, उन्होंने कहा जैसी नौकरी मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शाजिया वो अम्मी इस बात की इजाजत नहीं देंगी ना कि वो हमसे अलग रहे? नहीं, कि वो हमारे साथ रहे। अब अम्मी को समझाना तो आपका काम है। अम्मी को? हाँ मैं अभी जाके समझा कर आता हूँ अम्मी को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाय अल्लाह, भाईजान हमारे साथ रहे तो कितना मजा है ना, अल्लाह करिए ये काम करिए। अम्मी। अरे क्या हो गया? आपको कसम है। किस बात की? आपने इस निकम्मे नकारा को एक सेकंड भी घर में नहीं टिकने देना है। अरे मेरा बस चले तो गुड्डू के साथ साथ शादिया को भी इस घर से निकाल बाहर करूं। शादिया को क्यों? क्योंकि उसे किसी बात की तमीज ही नहीं, ना उठने की ना बैठने की, हर दूसरे दिन उसका कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, और अब देख उसका भाई यहाँ रहने आ रहा है। अम्मी शाजिया तो घर की फर्द है ना, आप बस उसके भाई गुड्डू का कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि उसको यहाँ से भगा दें। गुड्डू? हाय उसके भाई का नाम गुड्डू है? हाँ। बहुत ही छिछोरा नाम है। जितना छिछोरा नाम है ना उससे ज्यादा छिछोरे उसके काम है। मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तुम खुद क्यों नहीं कुछ करते, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? अम्मी मेरी रिश्तेदारी लगती है ना, मैं नहीं कर सकता, लिहाज करना पड़ता है। सदके जाऊं अपने बच्चे पे, सदके जाऊं, बिल्कुल मेरे ऊपर गया, मैं भी तो लिहाज में मारी जाती हूँ। अब देखो तुम्हारी बीवी को भी तो बर्दाश्त करें। अम्मी शाजिया को छोड़े, आप इस गुड्डू का कुछ करें। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, अपने बेटे के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा आ,
जी जी अम्मी भाई पहुंच गए। हाँ हाँ फिक्र मत करें। हाँ शाजिया अम्मी मैं बाद में बात करती हूँ। अपने भाई को बता दो कि ये हमारा घर है, कोई मेहमान खाना नहीं है। ये बात तो उनको पता है। पता है लेकिन उसे ये कह देना कि रात को खाना खाने के बाद यहाँ से 9-2-11 हो जाए, मतलब चला जाए यहाँ से। अम्मी कुछ दिन की तो बात है। चलो हटो यहाँ से, हमने तुम्हारे रिश्तेदारों का ठेका नहीं उठा रखा। अम्मी मेरे भाई इतने बड़े शहर में कहाँ जाएंगे। मेरी भला से कहीं भी टेंट लगा के रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। बहादुर मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने क्या कर दिया? आप जो तंदूर से रोटियां लाते हैं वो मुफ्त की होती हैं। किसने कह दिया मुफ्त की होती है? 10 रुपए की एक मिलती है, अब तो 12 की हो गई है, कुछ दिनों बाद 14 की भी हो जाएगी। अरे चुप करो तुम। हाँ सुनो, मेरे साथ ये ड्रामे खेलने की जरूरत नहीं है, बात घुमाने की कोशिश नहीं करो। देखो मैंने जो कहा है ना वही करो, अपने भाई को यहाँ से रवाना करो वरना मैं धक्के दे के निकालूंगी। ड्रामे कर रही हो मेरे साथ? तंदूर से रोटियां क्यों नहीं समझाते आप इनको? अम्मी को? हाँ मैं अभी जाके समझा कर आता हूँ अम्मी को। हाँ अम्मी। हाँ नहीं 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 कुछ नहीं, वो बहादुर थे। हाँ 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 सब खैरियत है, सब खैरियत, सब ठीक है। क्या समझती है अपने आप को? अरे जिस स्कूल में पढ़ती है मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ, मुझसे एक्टिंग करेगी। बड़ी भाई वेल डन अम्मी, वेल डन। बस यही परफॉर्मेंस चाहिए ताकि वो गुड्डू का बच्चा यहाँ से जल्द से जल्द दफा हो जाए। अरे अपनी माँ को हल्का मत ले हल्का। तो मैंने एक्टिंग नहीं की, नहीं तो अभी तक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी होती मैं। देखते जाओ किस तरह इन सांपों को घर से निकाल के बाहर करती। तुम्हारी मेहनत की कमाई पे मैं मुफ्त को रोक बनने दूंगी कभी नहीं। सांप नहीं अम्मी, अजदहे हैं, अजदहे ये। बिल्कुल अजदहे हैं। चमके लगी रहे। अरे अभी तो शुरू हुई है मेरी पर। वही 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 जो तुम कह रहे थे, देखते जाना अभी क्या करते। अब आएगा ना मजा खेल में। बस यही एक परेशानी है। क्या उनका मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है छुटकी, मैं आज यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं नहीं भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप उनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लें। ओके छुटकी, फिर मैं यहाँ रुक जाता हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूँ अपनी सास की, उनको हार सिंघार का ना खप्त है, और अगर उनको कोई कम उम्र बोल देता है ना वो बहुत खुश हो जाती है, और अगर अधेड़ उम्र बोल देता है ना तो उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं बस अभी आया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लो ये तो तुम्हें अंदर आने से पहले पूछना चाहिए था। अरे ये आपके शोहर थे? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं मैं तो बस ये कह रहा था कि मरहूम बहुत ही खुशकिस्मत इंसान थे। क्या मतलब? मतलब ये कि जिनकी शादी एक खूबसूरत जहीन और कम उम्र लड़की से हो वो खुशकिस्मत ही हुए ना। अरे अरे गुड्डू तुम खड़े क्यों, बैठो ना। जी नहीं नहीं ऐसा ना हो मैं इनके साथ बैठूं तो ये मुझे अपने पास बुला ले। शुक्रिया। आज तो तुमने बहादुर के अब्बा की याद दिला दी। अच्छा जो बातें आज तुमने मेरे मुतालिक कही है बहादुर के अब्बा भी यही कहते रहते। अल्लाह माफ करे। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि अल्लाह माफ करे, आज के लोगों को ऐसे लोगों की कदर ही कहाँ है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो बात है। अच्छा गुड्डू एक बात मुझे सच सच बताना, तुमने जो कहा है कि मैं कम उम्र लगती हूँ तो क्या लगती हूँ? आंटी झूठ मैं बोलता नहीं हूँ और सच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं सच बताऊँ तो आप तो बहादुर भाई की अम्मी लगते ही नहीं। तो क्या लगती हूँ? बहन, वो भी छोटी। अरे गुड्डू, अरे गुड्डू तुम कितने प्यारे हो, कितना सच बोलते हो। यकीन जानो हर कोई मुझे यही कहता है कि मैं बहादुर की छोटी बहन लगती हूँ। आंटी आपको बहुत मिस करूंगा मैं। हैं? मुझे क्यों मिस करोगे, मैं कौन सा मरने वाली हूँ? नहीं वो छुटकी ने बताया कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, आज रात के तीसरे पहर में घर छोड़कर चला जाऊंगा। रुलाओगे क्या मुझे? बस तुम कहीं नहीं जा रहे ये घर छोड़ के। क्या मतलब? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मतलब समझाती हूँ। जी जी आओ मेरे पीछे पीछे आओ गुड्डू, आओ। आप क्यों नहीं रहे? अरे, चलो चलो इधर आओ, इधर आओ। अरे अरे अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? मैं अम्मी गुड्डू को घर से बाहर निकाल रही हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया। आप मना करें ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मम्मी ने फैसला कर लिया। गुड्डू आज से इसी घर में रहेगा। है
ये क्या कह रही हैं आप? एक बार में सुनाई नहीं देता, कान खोल के सुन लो। ये मेरा आखिरी फैसला है कि गुड्डू को इस घर से कोई नहीं निकालेगा, समझे तुम? बहादुर आप कितने अच्छे हैं ना, आपने अम्मी को बना लिया है? हाँ।